का कारण बनता है। आप सहमत होंगे कि समस्याओं का समय से समाधान ना होना ही आंदोलनों को प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश की कुमाऊं महासंघ कभी भी आंदोलनों का पक्षधर नहीं रहा, परंतु वर्षों से अनेकों संघर्ष कार्यक्रम करने तथा सरकार आदि शासन स्तर से दिए गए। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के तत्वावधान में आज प्रांतीय आह्वान पर मुरादाबाद जिले के अंबेडकर पार्क में आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं महासंघ की मांगों से संबंधित ज्ञापन मुरादाबाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम मंडल आयुक्त को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्य मांगे की गयी, जिसमें जूनियर इंजीनियर के प्रारंभिक ग्रेड वेतन को 4200 के स्थान पर 4800 करने की मांग पर जोर दिया गया। साथ ही जूनियर इंजीनियर वेतन विसंगति को दूर कर प्रारंभिक वेतन PV2 वेतन बैंड रुपए 9300 से 34800 ग्रेड वेतन 4800 प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश जल निगम में वर्ष 2017 में नियुक्त जूनियर इंजीनियर की शून्य की गई नियुक्तियों को पुनः बहाल किया जाए और जूनियर इंजीनियर को गैर तकनीकी और विभागीय कार्यों से मुक्त रखा जाए। मीडिया से बात करते हुए संगठन में मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार मौर्य ने कहा कि लंबे समय से हमारी मांगे चली आ रही हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार करे और हमारी जायज मांगों को पूरा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये डिप्लोमा इंजीनियर्स की लंबित समस्याओं के निराकरण किए जाने के संदर्भ में जो ज्ञापन आज लिया गया है, इसको माननीय मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, इनके से रिलेटेड हैं, ग्रेड पे से रिलेटेड हैं, बाकी इनकी जो समस्याएं हैं उससे रिलेटेड इनके जो ज्ञापन इन्होंने दिया है इसको भेजा जाएगा। मेरा नाम चारुल यादव है, मैं SDM डिप्टी कलेक्टर यहाँ पे प्रशिक्षु हूँ। आज जो हमारा संघर्ष कार्यक्रम चल रहा है उसके द्वितीय चरण में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम था और मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से हमें ज्ञापन देना था, जो सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ आए और हमने अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा। जो हमने पहला दिन का कार्यक्रम किया था 11 तारीख में एक दिवसीय धरना, वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था। चूँकि सरकार ने उस पर हमारे कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया है, तो आज हमने द्वितीय चरण में एक दिन का धरना दिया है और मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से हमने अपना ज्ञापन भेजने सौंपा है। इस पर भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो 8 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम लखनऊ में है। हम यहाँ से लखनऊ जाएंगे, 100% गिनती में जाएंगे और सभी जनपदों से जाएंगे। वहाँ पर हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे, अपने संख्या बल वहाँ पर दिखाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार हमारी बात सुने, हमारी मांग को पूरा करें। हमारी जो प्रारंभिक ग्रेड पर 4800 की मांग है, हम उस ग्रेड पे को लेके रहेंगे, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। दूसरी हमारी मांग है पेंशन। जो पुरानी पेंशन हमारी सरकार ने ख़त्म कर दी, हम उस मांग को बार बार उठाते रहे हैं, विभिन्न संगठन भी उठा रहे हैं और हम, ये हमारा हक है, इसे हम ले कर रहेंगे। आज सरकार कहती है नई पेंशन स्कीम बहुत फ़ायदेमंद है, हमें फ़ायदे गिनाती है। अगर हमें फ़ायदे गिनाती है तो खुद क्यों नहीं नई पेंशन के अंतर्गत आते हैं? ये नेता क्यों पुरानी पेंशन ले रहे हैं? ये एक दिन के लिए विधायक बनेंगे पेंशन लेंगे, हम 60 साल नौकरी करेंगे हमें पेंशन नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक देश में एक ही कानून होगा, पेंशन व्यवस्था एक होगी, एक ही होनी चाहिए, एक ही होगी। और दो पेंशन व्यवस्था सरकार की नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। ये हमारी दो प्रमुख मांगे, इसके अलावा और भी कई मांगे हैं, 7, 14, 20 पे ACP है और विभिन्न मांगे हैं। तो हम मेन मांगे मुख्य यही हैं, मुख्य मांगे हमारी ये दो हैं, 4800 प्रारंभिक ग्रेड पे और पुरानी पेंशन।